Αυτό हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज कोई ना तो ब्लॉग लेके आया है, ना कोई रेसिपी है, ना कोई रिव्यू वीडियो है। आज आप लोगों के साथ अपना वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, तो वही अपडेट आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो बता दें, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे कि हमको बिल्कुल डर नहीं लगता। हमको इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, शुरू से ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। मतलब उस इंजेक्शन के नाम पे ना ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, अब तो बस जान चली जाएगी, वो वाला हाल है। आज एक बच्चे की माँ है फिर भी इतना डर लगता है, और ये डर शायद मेरे मन से कभी नहीं निकलने वाला है। जो कि इंजेक्शन का डर होना नहीं चाहिए, कितना चीटी जैसा तो लगता है कि बस निडल गई और काम खत्म, लेकिन डर लगता है। तो पापा का जो वैक्सीनेशन था वो तो हो ही गया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे, अपडेट भी किए थे। बारी थी मेरी और मम्मी की। तो मम्मी की जो मेडिकल कंडीशन है वो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि मम्मी को ब्लड शुगर है, उनके पैर में फलेरिया की प्रॉब्लम है और हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। तो मेरे मन में था कि जब भी इनका मतलब वैक्सीन दिलवाना होगा तो पहले इनका एक बार हम शुगर टेस्ट कर लेंगे। तो उस दिन हम शुगर टेस्ट किए तो इनका 300 से ऊपर था, शुगर लेवल जो था 300 से ऊपर था। और ऐसे कंडीशन में वैक्सीन बिल्कुल नहीं दिलवा सकते, तो इस पर मम्मी का तो नहीं करवाए। अब 10 दिन में फिर से चेक करके देख लेंगे, जैसी कंडीशन रहेगी उस हिसाब से काम करेंगे आगे। और हम तो 10 जून को जाके वैक्सीन ले लिए। पहले बहुत डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही थी। होता है ना कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, इधर से सुनो उधर से सुनो, तो बहुत सारा दिमाग में था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, कहीं कुछ वैसा ना हो। डर भी बहुत था कि लगवाने के बाद अगर बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह आ जाएगा तो घर कैसे मैनेज होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि घर में कितने लोग हैं और सब कुछ कैसे मैनेज होता है। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेंशन वाला मतलब टाइम था कि अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह आएगा तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा, इसलिए थोड़ा टाल मटोल चल रहा था। लेकिन अभी पूजा आई हुई थी तो थोड़ा मेरे लिए ये मतलब प्लस पॉइंट था कि अगर फीवर वगैरह आता भी है तो पूजा सब कुछ देख लेगी, अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो गए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, गए वैक्सीन लिए, वहाँ से फिर आए। मतलब जब लिए तो बस इतना पेन हुआ कि जैसे कोई चींटी गई काट के चली आई। उस समय कुछ भी नहीं लगा, 10-15 मिनट वहाँ थोड़ा सा रेस्ट भी किए, उसके बाद खुद से ही गए थे, स्कूटी से ही गए थे पूजा को लेके। वापस आए तब भी थोड़ा बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अभी मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या मतलब फीवर आने लगा या कुछ। लेकिन दोपहर के बाद से मतलब मॉर्निंग में गए थे 10-10:30 बजे और दोपहर 12 या 1 बजे के बाद से हल्का हल्का पेन मतलब बॉडी में होना स्टार्ट हो गया था, और वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब 1.5 महीने से हम बीमार हो और पूरी बॉडी में एकदम दर्द हो रहा हो, एकदम ऐसा लग रहा हो कि पूरी मतलब बॉडी में ना बिल्कुल जान ही नहीं है, वीकनेस सा एकदम, और फीवर भी आना शुरू हो गया था। तो वहाँ से हम PCM लेके आए थे, और डोलो भी कई लोग लेते हैं, तो हम PCM लेके आए थे, पैरासीटामोल। तो वो एक मतलब पहले तो हम सोचे थे चलो ठीक हो जाएगा, इतना नहीं है। हम बहुत जल्दी से ना दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ये कोशिश रहती है कि पहले अपने आप ही अगर बॉडी मेरी सर्वाइव कर सकती हम ठीक हो सकते हैं तो ऐसे ही ठीक हो जाए। और जब कंडीशन लगता है कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तभी हम मेडिसिन की तरफ सोचते हैं कि अब लेना चाहिए। तो जब मेरी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, हालत यही बिगड़ी कि मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और फीवर आने लगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था। और जहाँ इंजेक्शन लगा था ना राइट हैंड में, वो पूरा हाथ ना एकदम भारी होते जा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई रॉड लेके ऐसे कस के यहाँ पे मार दिया हो, और ये पूरा हाथ मेरा मतलब उठ भी नहीं रहा था, इतना दर्द हो रहा था। तो वैक्सीन लेने के बाद मतलब यहाँ सिकाई वगैरह भी कुछ करना नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकते थे, बस दर्द को बर्दाश्त करना, तो वही कर रहे थे। तो फिर पूजा बोली कि नहीं अब पैरासीटामोल ले ही लो, नहीं तो दिक्कत ज़्यादा होगी।
दो दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही, 2 दिन फीवर भी आया, बॉडी बिल्कुल मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा रही और पूरे बॉडी में एक अजीब सा दर्द रह रहा था। मतलब ना किसी से बात करने का मन कर रहा था, ना किसी से कुछ बोलने का मन कर रहा था, ना कुछ खाने पीने का मन कर रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि नींद भी नहीं आ रही थी। मतलब सोने की कोशिश करते थे लेकिन मतलब दर्द की वजह से नींद नहीं आती थी। और एक ही करवट कितना लेटेंगे, जिस साइड वैक्सीन लगा था उस साइड तो बिल्कुल लेटना ही नहीं था, लेट ही नहीं सकते थे। लेटना क्या था, लेट ही नहीं पा रहे थे क्योंकि थोड़ा सा भी टच हो रहा था ना तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। तो एक ही साइड लेटे रहते, नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि पेन इतना ज्यादा था, फीवर भी था एकदम, मतलब सरवर सब भारी हो गया था। मतलब 2 दिन में ही लग रहा था कितने टाइम से बीमार हूँ, सिर्फ 2 दिन। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होते गया, लेकिन हर 6-7 घंटे के बीच में हम PCM लेते रहे क्योंकि हमको भी लग रहा था कैसे भी ठीक हो। क्योंकि ना जो इंसान काम करने वाला जो इंसान होता है ना, उसको बिस्तर पे लेटना बिल्कुल नहीं पसंद होता। वो मतलब एक खलबली सी मची रहती है कि यार सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम बिस्तर पे क्यों, मेरे साथ ऐसा है। तो हमको बहुत बेचैनी हो रही थी कि कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे। फिर मन में यही आ रहा था कि इससे अच्छा तो वैक्सीन नहीं लेते तो ज्यादा अच्छा, तो क्यों ले लिए, तो बिस्तर पे ही पड़ गए हम। लेकिन 2 दिन के बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा, फिर बॉडी बॉडी में भी दर्द नहीं था, फीवर भी आना बंद हो गया। बस ये जो मतलब जहाँ वैक्सीन लगा था, इंजेक्शन जो लगा था, वो वाला हाथ थोड़ा पेन कर रहा था, भारीपन था, लेकिन धीरे धीरे करके 2-4 दिन में ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब जो फर्स्ट डोज था वो तो अच्छे से हो गया, सेकेंड डोज जो है वो 84 डेज के बाद ही लेना है, तो वो सेप्टेम्बर में रहेगा मेरा। और अब बस वेट कर रहे हैं कि मम्मी की जो कंडीशन है ना, जो मतलब ब्लड शुगर इनका बढ़ा हुआ है, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए, अंडर अंडर 300 आ जाए, मतलब 300 से कम हो जाए, फिर मम्मी का भी फर्स्ट डोज जाके हम करवा देंगे, वैक्सीनेशन दिलवा देंगे। तो हमारा, मम्मी का, पापा का, सबका हो जाएगा। फिर बच्ची मुनमुन, तो जब उसका सही टाइम आएगा तो उसको भी वैक्सीनेशन दिलवा ही देंगे। तो यही एक अपडेट था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो ब्लॉग्स बहुत सारे हैं लेकिन ना आजकल गन्नू वगैरह सब लोग हैं तो टाइम भी नहीं मिलता और घर के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता ही है कि पिछले 2-2.5 महीने से आंटी को भी हम लोग छुट्टी दे के रखे हुए हैं क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था, तो इसलिए बोले कि अभी आप मत आइए। तो घर के भी काम बहुत हो जाते हैं जब बच्चे होते हैं घर में ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती, कभी उनके साथ खेलने का मन करता है, कभी कुछ मन करता है, कभी कुछ मन करता है, तो टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन वीडियोस बहुत सारी हैं, अभी तक तो बर्थडे का जो ब्लॉग था वो भी आप लोगों के साथ नहीं शेयर किए, वो भी शेयर करना है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कल शेयर कर दें आप लोगों के साथ। तो यही सब कुछ चल रहा है और बाकी तो सब बढ़िया है। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। और बस थोड़ा डर तो लग रहा था वैक्सीनेशन से पहले, काफी डर लग रहा था कि कहीं बहुत ज्यादा फीवर आएगा या कोई और प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत सारी तरीके की अफवाहें भी फैला रहे थे कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो काफी सारी चीजें दिमाग में थी क्योंकि ले देखे हम 4 लोग ही हैं और हम दो चारों को एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, तो डर भी लग रहा था कि कहीं कंडीशन अगर बिगड़ गई फिर क्या करेंगे, फिर सब कुछ कैसे मैनेज होगा। लेकिन भगवान की दया से सब कुछ अच्छा रहा। 2 दिन थोड़ी प्रॉब्लम रही, उसके बाद तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल ठीक है हम, सब कुछ एकदम बढ़िया है। और पापा के टाइम में पापा को तो फीवर तक नहीं आया था, बस उनको थोड़ा वीकनेस लग रहा था, पानी पीते रहे हम लोग। मतलब जब वैक्सीन लिए तो जो सिस्टर थी उन्होंने कहा था, जो हमारी भाभी भी है, मतलब पहले हम लोग जहाँ कॉलोनी में रहते थे तो जस्ट मेरे क्वार्टर के बगल वाला क्वार्टर वो भाभी का है जिनसे हम वैक्सीन पापा का भी दिलवाए थे अपना भी, तो वो बस इतना बोली कि ठीक है दीदी आप परेशान मत होइए, आप एनर्जी ड्रिंक लेते रहिएगा, ग्लूकोज वगैरह पानी वगैरह पीते रहिएगा और रेस्ट करिएगा, और प्रॉब्लम अगर लगे तो PCM वही पैरासीटामोल ले लीजिएगा, और अगर वो असर ना करे तो आप डोलो ले लीजिएगा। तो मेरा तो काम PCM से ही हो गया। तो यही एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था कि, और एक्सपीरियंस भी बताना था कि मेरा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और पता नहीं क्यों आज भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और ये डर शायद अब कभी नहीं जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम तो उधर देखते ही नहीं, अगर इंजेक्शन लगने वाला होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं भैया लगाओ, दर्द तो हो रहा है लेकिन देखेंगे नहीं, देख के और डर लगता है, तो हम देखते ही नहीं है उसको। क्योंकि जब खुद से ही खुद का डर मिटाना है तो उसको देखो ही मत, सबसे अच्छा तरीका यही है कि देखो ही मत, ना देखेंगे ना डर लगेगा, लगेगा कि कुछ हुआ तो है बॉडी में जो भी हुआ है। तो अब फर्स्ट जो डोज था वो तो अच्छे से हो गया, सेकेंड डोज 84 डेज के बाद होगा जो कि सेप्टेम्बर में होगा,
तो यही है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो जल्दी जल्दी से अपना स्लॉट बुक करवाइए और वैक्सीन जरूर लीजिए, खुद भी लीजिए, फैमिली में जिनको दिलाना है उनको भी दिलाइए। और अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद आप एक दो दिन रेस्ट करिए अच्छे से, थोड़ा सा बॉडी में प्रॉब्लम होगी, किसी को फीवर आ जाता है, किसी को वीकनेस लगता है, यही सब होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस पानी पीते रहिए, रेस्ट करिए अच्छे से और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वैक्सीन जरूर लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, जल्दी से कोशिश करेंगे कि अपना बर्थडे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत की थी पूजा और मुनमुन, बहुत अच्छे से सब कुछ की थी, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। तो अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोज़ वगैरह अगर पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि बहुत सपोर्ट मिलता है। लाइक ज़रूर किया करिए और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, अच्छा सोचिए, बस चलिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और तुम कैसे, ये बता दो। हम तो अच्छे हैं। और यहाँ क्या लगा लिए हो? ये काला पड़ा हुआ है। काला पड़ा हुआ कैसे पड़ा है बताओ तो, बदमाशी से ना है ना? क्या कर रहे थे जो लग गया? वो ना जिज्जी को यहाँ पे हाथ पे लग गया था, वो फूल गया था मेरा, ये जिज्जी का फूल गया था, फूल गया था और मेरा यहाँ पे काला पड़ा है। और दोनों की बदमाशी हो रही थी। दोनों की बदमाशी हो रही थी, वही तो तुम लोग करते हो। हाँ। है ना, दोनों की दुश्मनी चलती है। दुश्मनी चलती है? हाँ। क्यों भाई, तुम लोग तो भाई बहन हो ना, बताओ। भाई बहन कभी दुश्मनी करते हैं? वो मुझे हमेशा कही ना, मैं पंचिंग बैग पर ही मुझे लग जाता है, कहीं उसने रिटर्न कर दिया। आप बोले मैं जाता हूँ, जा रहे हो तो बाय कर दो सबको। बाय। और कुछ भी तो बोला जाता है। अरे अब जाओ ना। नहीं नहीं लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करना जरूर जरूर।